नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहाँ पिछले दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। घनघोर बारिश की वजह से अब तक कई मकान गिर गए हैं। मड़िया सेमरा गाँव में कल रात कीरत सिंह डांगी और दौलत सिंह डांगी के मकान बारिश के दौरान भर भरा कर गिर गए। जिस समय मकान गिरा उस समय घर में परिवार के सभी सदस्य और पालतू पशु भी मौजूद थे। यह तो गनीमत रही कि मकान गिरने की आवाज़ सुनते ही सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। बारिश के दौरान पास में ही रहने वाली सावित्री बाई अहिरबार का घर भी गिर गया। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। लगातार दो चार आठ दिन से बारिश जो लगी है उसमें लगभग चार पांच मकानों की क्षति हुई है, जिसमें जो कीरत सिंह का मकान पूरा संपूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया। दौलत सिंह बगल में और भी जांच की गई, अब आगे और भी गिर सकते हैं। इसमें आ जाएगा इनका जो भी शासन के द्वारा मतलब राशि का प्रावधान होगा वो दी जाएगी। 5:30 बजे मकान गिर गया, हमारा अनाज भी दब गया उसमें, टीवी पंखा कूलर गाड़ी एक दब गई घर में, और थोड़ा थोड़ा कम से कम 1.5 लाख का खर्च सौदा बहुत गड़ गया है। आपका नाम क्या है? दौलत सिंह का। कौन सा गांव का हो गया? कम से कम 1.5 लाख के करीब हो गया था। अनाज पानी बिंडा में था, वो भी ट्यूबर। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह का। कोई